आप लोग को कब मालूम चला? मतलब ये सैया टुलाराम जो उसका जो स्टैचू है, इसका जो हाथ में जो तलवार जो है वो है दिमासा ट्रेडिशनल, उसको तलवार बोलते हैं, उसको हम लोग दिमासा में शेंग बोलता है। वो शेंग टूटने वाला कल दिन तक हम लोग ऐसा सब कुछ ठीक ठाक ही देख रहा था, तो आज सुबह आके देखा तो अचानक से उसका शेंग तो टूटा हुआ है। तो इसलिए हम लोग करे तो क्या करे, ऑब्वियसली हम लोग तो अभी यहाँ में हम लोग का कानूनी सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम लोग कानून का मदद लिया। हम लोग ऐसे दिमासा स्टूडेंट यूनियन उम्र से ब्रांच कमेटी, हम लोग यहाँ जो पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर करवा दिया है, और अभी हम लोग अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो उसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा उसका हम लोग अभी उसका इंतज़ार में है। और एक हम बोल नहीं सकता, और एक बोलना चाह रहा है कि भविष्य में नॉट ओनली ये सैया टुलाराम का जो स्टैचू, किसी भी स्टैचू का, चाहे वो महात्मा गांधी जी का स्टैचू हो, किसी का भी स्टैचू हो, उसमें जाके इस तरह से कोई भी ऐसा दुष्कर्म नहीं करने से तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हम सभी भारतवासी का, भारत का एक संपत्ति है। थैंक यू। मतलब कल तक ये ठीक ही था, मतलब ना कल तक ये ठीक ही था, आज सुबह ये तो देखा तो ये उसका हाथ में जो शेंग वो तो टूटा हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करें, अभी सीधा हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके DSU का तरफ से FIR रजिस्टर करवा दिया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।